हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? लास्ट क्लास में मैं आपको बताया डिटरमिनेंट का एक्सपांशन कैसे किया जाता है, 2x2 का, 3x3 का ये एक्सपांशन आपको बताया गया था, है ना। तो 2x2 और 3x3 दोनों का एक्सपांशन करके मैं आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन भी करवाया था, कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी छोड़ा था आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पे। ये काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में कोई सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है तो यही पढ़ना है। 6 से 7 तक करीब प्रॉपर्टियां आपको मिलेंगे, उसमें 2-3 काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं वो तो याद हो ही जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी जो कि काफी आसान प्रॉपर्टी रहेगा उसको देखते हैं, और ये तो आप खुद भी सोच सकते थे, है ना, आपको ऐसा लगेगा। If all the elements in a row or column, if all the elements in a row or column is zero, then value of determinant is zero। मैं क्या बताया, अगर कोई भी डिटरमिनेंट में सारे एलिमेंट्स, कोई भी डिटरमिनेंट में किसी खास कॉलम या खास रो में, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ रो और कॉलम, कोई भी सिंगल रो या कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हुए, कोई भी खास रो या खास कॉलम में, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं तो, जैसे देखिए, सपोज ये 2 है, ये -3 है, 5 है, यहाँ 0 0 0, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स 0 है, सही है। तो आप सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांड करोगे तो थोड़ा दिमाग भी लगा लो, अगर एक्सपांड करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं इसके अलोंग, सीधा इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे, 0, है ना, सीधा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आज के बाद आप याद रखोगे कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 0 हो गए, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। क्लियर, सही है। जैसे एक आध दो और आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि सपोज ये है -8 5 3 7 2 -9 0 0 0, तीसरे कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये पहला प्रॉपर्टी था। पहला प्रॉपर्टी क्या है, फिर से मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई खास कॉलम या खास रो में सारे एलिमेंट्स 0 हुए हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर है ना। अपन अब पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी भी कोई खास उतना दमदार नहीं, अब मैट्रिक्स में बढ़ोगे तो सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अपन देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ रो और कॉलम, रो और कॉलम, रो या कॉलम, इफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट, ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सचेंज बाई corresponding row or column, then value of determinant does not changes। क्या बोला गया है कि रो या कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम को अगर उसके करस्पॉन्डिंग, उल्टा लिख चुके हैं अपन, उसके रो है, अगर रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम से एक्सचेंज कर देते हो, रो को किससे एक्सचेंज करते हो, करस्पॉन्डिंग कॉलम से, या कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो से, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर हो, है ना। जैसे फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो है उसको क्या बना दो, फर्स्ट कॉलम, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा।
सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ. क्या बोला गया, इफ रो और कॉलम है ना ऑफ अ डिटरमिनेंट इज एक्सचेंज बाय करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज. मतलब अगर तीनों रो को तीनों कॉलम से एक्सचेंज कर दिया जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, या तीनों कॉलम को तीनों रो से एक्सचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता है. ऐसा नहीं कि सर पहले रो को पहले कॉलम से एक्सचेंज कर देते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, नहीं. अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो तीनों रो को तीनों कॉलम से एक्सचेंज करो, या फिर तीनों कॉलम को तीनों रो से एक्सचेंज करो. तीनों का एक्सचेंज होना चाहिए. रो पूरा पूरा कॉलम में जा रहा है तो तीनों रो जाएगा कॉलम में, और कॉलम पूरा पूरा रो में जा रहा है तो तीनों कॉलम रो में जाएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझिए ज्यादा अच्छे तरीके समझ में आएगा, है ना. जैसे मान लो कि एक कोई डिटरमिनेंट है, इसका नाम देते हैं डेल्टा, सही है. तो सपोज आपको मैं बताऊं, है ना, ऊपर लिखता हूं थोड़ा. जैसे कोई डिटरमिनेंट है, इसका नाम देते हैं डेल्टा. मान लो ये 1 2 5 2 4 6 3 2 1, क्लियर. इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, वैल्यू क्या आता है. तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो बस सीख चुके हैं क्या आ जाएगा. यहाँ से ओपन कर देता हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कितना आ जाएगा 1 × 4 1 = 4 − 6 × 2 = 12, सही है. −2 × 2 1 = 2 और माइनस क्या हो जाएगा 18, सही है. अब प्लस 5 × कितना हो जाएगा 2 × 4 और −4 × 3 = 12, यहाँ आ जाएगा −8, क्लियर. यहाँ पे आ जाएगा क्या −8 और यहाँ आ जाएगा प्लस −16 × 32 और यहाँ आ जाएगा −8 − 40, सही है. देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी सब चीज सही है, कोई दिक्कत नहीं है. तो −48 + 32 क्या जाएगा −16. इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है −16. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से. अब प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, अगर ये तीनों रो हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, समझो प्रॉपर्टी को, है ना, अगर इनको करस्पॉन्डिंग कॉलम बना दिया जाए, इसको फर्स्ट कॉलम बना दे, इसको सेकंड कॉलम बना दे और इसको थर्ड कॉलम बना दे, तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा. देखते हैं, है ना. लो क्या करते हैं, इफ रो इज एक्सचेंज्ड बाय कॉलम, रो को किससे एक्सचेंज करते हैं, रो को किससे एक्सचेंज करते हैं, कॉलम से. रो को अपन एक्सचेंज करते हैं किससे, कॉलम से. इफ रो इज एक्सचेंज बाय कॉलम, रो को किससे एक्सचेंज करते हैं बच्चों, कॉलम से, है ना. तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 1 2 5, और ये पहले रो में क्या था 1 2 5, तो पहले कॉलम में क्या लिखा 1 2 5, यहाँ पे क्या 2 4 6, यहाँ पे क्या 2 4 6, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 2 1 3 2 1. अब इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा. जैसे देख लो यहाँ प्लस माइनस प्लस, चलिए 1 × 4 1 = 4 और −12 क्या जाएगा −8 और −2 × ये क्या जाएगा 2 1 = 2 हो जाएगा 2 − 5 × 10, ये भी −8 हो जाएगा, सही है. और प्लस 3 × कितना आ जाएगा 6 × 12 −20, 12 − 20 क्या जाएगा −8, ये हो जाएगा −8 और ये हो जाएगा +16 और ये −24. इसको सोल्व कर ले क्या आएगा −16 ही आएगा, क्लियर हो. तो ये तो समझने वाली बात थी यार, मैं आपको क्या बोला था कि डिटरमिनेंट को रो के लॉन्ग ओपन करो या कॉलम के लॉन्ग ओपन करो, ओपन करो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो आप सोचो ना, हुआ क्या है कि पहला रो को क्या बना दियो आप, जो पहला रो था यहाँ पे 1 2 5 वो क्या बन गया, पहला कॉलम बन गया, और जो पहला कॉलम था इसका वो क्या बन गया, पहला रो बन गया. तो आप इनडायरेक्टली ये बात को समझो कि आप इसी डिटरमिनेंट को यहाँ पे जो ओपन किए हो, अलावा क्या ओपन किया कॉलम, तो कहाँ से वैल्यू चेंज होगा भाई, नहीं चेंज होगा, सही बात है. तो ये कोई ज्यादा काम का प्रॉपर्टी नहीं है, मैट्रिक्स में काम में आता है, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं, वहां पढ़ेंगे, अभी जानने की जरूरत नहीं है. तो आप ये याद रखोगे बस फिलहाल अभी, कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के, है ना, सारे रो को जो तीनों रो हैं, तीनों रो को अगर कॉलम से एक्सचेंज कर दें करस्पॉन्डिंग कॉलम से, या फिर तीनों कॉलम्स को करस्पॉन्डिंग रो से एक्सचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होता है. लिखिए आप यहाँ तक, ये सेकंड प्रॉपर्टी था, है ना. पहला प्रॉपर्टी मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करवाता हूँ कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी खास रो या किसी भी खास कॉलम में सारे एलिमेंट्स जीरो हुए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा. दूसरा, अगर रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से एक्सचेंज कर दें या फिर कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो से एक्सचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्लियर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिख रहे हैं आप स्क्रीन पॉज करके. अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे.
अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी थर्ड पे, तो आप हेडिंग डाल ले पी थर्ड मींस, पी मींस प्रॉपर्टी, थर्ड मींस थर्ड, पी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड क्या बोलता है? प्रॉपर्टी थर्ड ये बोलता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में, पहले समझ लो बात, उसके बाद लिख लेते हैं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम है ना, एनी टू रो और एनी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल हुए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होता है। उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। चलो लिख लेते हैं, है ना, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। क्या बोला गया है कि अगर डिटरमिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हो, है ना। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं अपन जैसे मान लो कि ये 1 2 5 है, ये 2 3 -5 है और ये भी 1 2 5 है। आप ध्यान दो, पहले रो को देखो और तीसरे रो को देखो, दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल हैं, सही है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। यही तो बोला जा रहा है कि अगर देखो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, डिटरमिनेंट में एक खास बात है, जो भी प्रॉपर्टी रो के लिए वैलिड है दैट ऑल प्रॉपर्टीज आर वैलिड ऑल्सो वैलिड फॉर कॉलम 100%। ऐसा नहीं कि जो रो के लिए अप्लाई कर रहे हो कॉलम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल जो रो के लिए है वो कॉलम के लिए भी वैलिड है। तो आप यहां पर देख रहे हो पहला रो और तीसरा रो क्या है? आइडेंटिकल है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज का वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। देखते हैं एक्सपांड करके जीरो आता है नहीं आता है, ये प्लस ये माइनस और ये क्या प्लस, ठीक है आ जाएगा। कुछ एक्सपांड किया जाए, 1 × कितना हो जाएगा? 5 × 3 = 15 और ये -10 तो यहाँ +10 हो जाएगा। -2 × 5 = 10 और ये क्या +5 और यहाँ हो जाएगा +5 × कितना हो जाएगा? 2 × 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर, 4 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा कितना बच्चों? 25 और ये हो जाएगा 15 × 30 और ये हो जाएगा 1 और 5 = 5 हो जाएगा। 25 और 5 30 होता है, 30 - 30 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो, तो आज के बाद आप याद रखोगे कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर डिटरमिनेंट में आइडेंटिकल हुए हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। आप डायरेक्ट लिखा करेंगे पर इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए है ना, -8 7 3 4 5 9, ये 5 है ना, 4 5 9, यहाँ भी है 4 5 9। तो देखो दूसरा कॉलम और तीसरे कॉलम को ध्यान दो, दोनों क्या है? बिल्कुल आपका ध्यान जाना चाहिए, आइडेंटिकल है। यहाँ भी 4 5 9, यहाँ भी 4 5 9, इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे? जीरो। और यहाँ अगर बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो उसमें लिखोगे कि सिंस, क्या लिखोगे? C2 मतलब C4 कॉलम, 2 मतलब दूसरा, एंड ये लिखने का तरीका होता है, फैशन होता है सब लिखने का, C2 and C3 are क्या? आइडेंटिकल। C2 and C3 are क्या? आइडेंटिकल। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हुआ, रीजन क्या है? C2 and C3 क्या है? आइडेंटिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो आसान, ये बात सही है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज में आएगा, तो आप ध्यान इसको दें, है ना। बाकी कोई ऐसा खास बात नहीं है, आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं। जैसे देख लीजिए, देखो बनाएगा बुक वाला क्या बोलेगा, ये -1 8 9 है ना, यहाँ बोल देगा e^x है ना log x, सही है। इधर कुछ इंटीग्रेशन ऐसे लगा देगा, integral sin x dx, ये इंटीग्रेशन का साइन है ना, integral sin x dx, अरे -1 8 9, आपको डराने के लिए ऐसा किया गया है, सही है। देखो पहला तीसरा क्या है? आइडेंटिकल है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे? जीरो। रीजन क्या देखो सर, सिंस C1 and C3 are क्या? आइडेंटिकल। रीजन क्या है इसका? C1 and C3 are क्या? आइडेंटिकल, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? जीरो। सीधा लिख देना है आंख बंद करके, क्लियर हो।
तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, सही है। तो अगर आप याद रखोगे किसी भी डिटरमिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हुए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। क्लियर। चौथी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर, पी फोर। पी फोर भी काफी इंपॉर्टेंट, सही है। प्रॉपर्टी नंबर फोर सब लोग लिखेंगे, पी फोर। पी फोर क्या है? चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई खास रो या खास कॉलम में, खास रो या खास कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन हो, पूरे डिटरमिनेंट में नहीं भाई, खास रो या खास कॉलम में, चाहे पहला रो हो, दूसरा रो हो या तीसरा रो हो, या पहला कॉलम हो, दूसरा कॉलम हो, तीसरा कॉलम हो, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक नंबर कॉमन है तो उसको आप डिटरमिनेंट से बाहर ला सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहले लिख लेते हैं इसको, इफ एनी फिक्स्ड नंबर, है ना, के, सपोज के कोई नंबर फिक्स्ड नंबर क्या है, के, इज कॉमन, इज क्या, कॉमन ठीक है, इज कॉमन इन एनी रो और एनी कॉलम। क्या बोला गया है, कोई फिक्स नंबर है, सही है, कोई क्या है, फिक्स नंबर है के, वो इफ एनी फिक्स नंबर के इज कॉमन इन एनी रो और एनी कॉलम, कोई फिक्स नंबर के है वो किसी फिक्स रो या फिक्स कॉलम में क्या है, कॉमन है, देन टेक आउटसाइड, टेक दैट नंबर, देन टेक दैट नंबर, दैट नंबर आउटसाइड द डिटरमिनेंट, आउटसाइड द डिटरमिनेंट। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जांपल से समझे, अच्छा समझ में आएगा। वो नंबर को डिटरमिनेंट से कहाँ ले आए, बाहर ले आए। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो ये के है, ये के बी है, और ये क्या है, के सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, एफ है, यहाँ जी है, यहाँ एच है, यहाँ क्या है, आई है। आप ध्यान दीजिए पहले कॉलम पे, पहले कॉलम में ये नंबर क्या है, कॉमन है, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन, के कॉमन आएगा कहाँ से, सी वन से, के को बाहर निकाल लो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी, यहाँ क्या होगा, डी एफ, यहाँ क्या होगा, जी एच आई, इसको बाहर निकाल सकते हैं। सर वैल्यू चेंज नहीं होगा क्या, नहीं चेंज होगा, आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल इस पर बता दूँ, सही है। जैसे देखिए, ध्यान देंगे इधर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, तो मान लो कि ये है 2 4 6 है, और ये 1 2 3 है, ये -8 2 5 है। मैं पूछूँ कि इसका वैल्यू बताओ भाई, तो जो समझदार बच्चा होगा तुरंत बता देगा, वो जीरो आएगा। सर क्यों जीरो आएगा, देखो पहले रो में ध्यान दो, पहले रो में क्या कॉमन है, 2। हाँ देखो, ये एग्जाम्पल था 2 4 6 1 2 3 -8 2 5, क्लियर हो। तो जो समझदार बच्चा रहेगा तुरंत आंसर बता देगा, उसके लिए बहुत लल्लू पप्पू क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पहले रो से में क्या कॉमन है, 2, तो 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन लोगे तो पहले रो में यहाँ पे क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या, 3, यहाँ पे 1 2 3, -8 2 5। अभी अभी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताया गया है, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, क्लियर हो। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0, क्लियर, खत्म, है ना। लिख लीजिए इसको स्क्रीन पॉज करके, सही है। फिर अपन पढ़ते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे। हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, नहीं 4 तो था ना वो, हाँ 4 तो हो चुका है। अच्छा, चौथे प्रॉपर्टी के अंदर में एक सब प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ना, है ना, वो समझदार बच्चा समझ जाएगा, बाकी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो उसके बाद ही मैं बता दे रहा हूँ क्या है वो।
क्लियर। तो चौथे प्रॉपर्टी के अंदर में ही एक अपन नोट करके बात लिखते हैं, समझते हैं। जैसे आपने देखा चौथा प्रॉपर्टी क्या बोला, कोई खास नंबर अगर किसी रो या किसी रो में कॉलम में कॉमन हो तो उस नंबर को आप डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर अंदर भी तो जा सकता है ना यार। हाँ सर, जा सकता है। तो देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई ये डिटरमिनेंट है ए बी सी डी एफ जी एच आई, और मुझे है ना, मेरा मन किया कि मैं इस नंबर ये जो रो है या फिर ये रो या फिर ये कॉलम, कोई खास रो या खास कॉलम में मुझे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने का इच्छा किया है ना, मेरा मन हुआ, मेरा मूड हुआ कि अरे यार इस रो में मैं अपन कोई खास नंबर का मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भाई अगर कोई खास नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ के का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ के का डिवाइड करो, सही है क्या, सब में मल्टीप्लाई होगा? नहीं नहीं नहीं, एक बार के का डिवाइड किया तो एक ही जगह मल्टीप्लाई करना। सर किस रो में? कोई भी एक रो में। सर किस कॉलम में? कोई भी एक कॉलम में, है ना। तो ए डी एफ नीचे नहीं होगा, जी एच आई। सर नीचे नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे के डी के ई के एफ लिखो तो यहाँ क्या रखोगे? के स्क्वायर, दो बार हो गया। यहाँ पे के जी के एच के आई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू आ जाएगा। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक बार डिवाइड मार रहे हो तो एक ही में मल्टीप्लाई करना, कोई एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में, ये बात ध्यान रहे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई डिटरमिनेंट है, सपोज आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, और यहाँ पे मान लो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सपोज ए सी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ वन लिख लो, वन ए और यहाँ पे बी सी, ऐसा, ठीक है, और यहाँ वन बी और यहाँ पे सी ए, यहाँ वन सी और ए बी, सही है। अब ऐसा ऑपरेशन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ध्यान दें थोड़ा सा, है ना। बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस एग्जांपल को, और कुछ नहीं है। कि अगर इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? ए बी सी। यहाँ पे बी आ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बी सी। यहाँ पे सी आ जाए तो क्या बन जाएगा? ए बी सी। तो मुझे यहाँ पे ए चाहिए, सर इसमें ए का मल्टीप्लाई कर दो तो इधर का खेल बिगड़ जाएगा ना यार, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ए स्क्वायर हो जाएगा। सर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि पहले कॉलम में ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उससे क्या होगा? पहले कॉलम में ए का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या? ए बी सी। तो ए का डिवाइड कर लो। दूसरे कॉलम में बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ बी, यहाँ बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या जाएगा? ए बी सी, सही है, क्लियर। तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं अपन किसका? सी का, तो यहाँ सी, सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या जाएगा? ए बी सी आ जाएगा, क्लियर हो, सही है। अच्छा यहाँ पे B का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ B का डिवाइड करो ना, यहाँ C का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ C का डिवाइड करो, क्लियर। अब यहाँ से क्या आएगा? ए बी सी कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकालो बाहर तो ये कैसा बन जाएगा? ये बनेगा ऐसा, ध्यान देंगे। ए बी सी कहाँ से कॉमन ले रहे हो? तीसरे रो से, ए बी सी बाई ए बी सी, क्लियर हो। तो ऊपर क्या है भाई, पहले वाले रो में क्या है? ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सही है। और यहाँ पे क्या है? वन वन वन, क्लियर हो, एक आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी आपको ना देखना आर डी शर्मा बुक में ये वो प्रूफ करने के लिए दिया होगा कि भाई ऐसे डिटरमिनेंट को ऐसा प्रूफ करो, जैसे थोड़ी इसको एक्सपांड करो और उसको भी एक्सपांड करो, उसके बाद वैल्यू कंपेयर करो, नहीं मुश्किल काम हो जाएगा वो सब। ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन आपको, सही है। तो आप ये याद रखना कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई खास नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तो बाहर से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। ये चौथी प्रॉपर्टी के अंदर में सब प्रॉपर्टी था, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टी नंबर फाइव पे, किस पे आते हैं? या कुछ और एग्जाम्पल देख लो, जैसे एग्जाम्पल्स, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जैसे log x log y with base a और ये log z with base a, और यहाँ पे मैं लिख दूँ log x with base y या base b, यहाँ पे log y with base b, यहाँ पे log z with base b, और यहाँ पे e पे पावर x माइनस साइन x टेन x, कुछ भी डराने के लिए जा सकता है। एक डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है, जो समझदार बच्चा रहेगा तुरंत आंसर बता देगा। कैसे, इसको क्या लिखेंगे?
log x by log a, इसको लिखेंगे log y by log a, इसको क्या लिखेंगे log z by log a, आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम, नहीं मालूम होगा बच्चे लोग लिख लेंगे इसको कि कभी ऐसा लिखा रहे log b, इसको log b पढ़ते हैं with base a, इसको लिखते हैं log b divided by क्या log a लिखते हैं, क्लियर हो, सही है। तो इसको क्या लिखोगे log x by log a, इसको log y by log a, इसको log z by log a, सही है। पहले वाले क्या लिखेंगे log x by क्या log a, दूसरे क्या लिखेंगे log y by क्या log y by क्या लिखोगे log a, तीसरे क्या लिखोगे log z by क्या लिखोगे log a लिखोगे, सही है। फिर अगले क्या लिखोगे सर log x by क्या लिखोगे log b लिखोगे, फिर क्या लिखोगे log y by क्या लिखोगे log b लिखोगे, फिर अगले में क्या लिखोगे log z by क्या लिखोगे log b लिखोगे, है ना। नीचे हम जो है लिख दें थर्ड रो में, थर्ड रो में क्या है e पे पावर x माइनस साइन x टेन x, अब ध्यान दो यहाँ से मैं आपको ओरली बताता हूँ, नीचे में क्या कॉमन आएगा वन बाई लॉग ए, इसमें क्या कॉमन आएगा वन बाई लॉग बी, और आर वन एंड आर टू क्या आ जाएगा आइडेंटिकल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या बोल दोगे जीरो, समझ रहे हो भाई, ध्यान दो ओरली बोल सकते हो आप, मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ ठीक है, समझ लो यहाँ लॉग ए नीचे में है, यहाँ भी लॉग ए नीचे में है, यहाँ भी लॉग ए नीचे में है, तो पहले रो से कॉमन क्या आ जाएगा भाई वन बाई लॉग ए, दूसरे रो से क्या कॉमन आएगा वन बाई लॉग बी, तो अगर यहां से 1 by log a कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा log x log y, यहां क्या log z, यहां से 1 by log b कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहां पे log x log y log z, अब ये दोनों क्या आ जाएंगे आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, खटाक से खत्म, सही है, बिकॉज r1 and r2 आर क्या आइडेंटिकल कॉमन लेने के बाद, सही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, है ना, पहले प्रॉपर्टी को थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, साथ साथ पहले ही दो चार क्वेश्चन करते चलेंगे, और फिर अपन ना दो तीन क्लास मजेदार ढंग से बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे सबको मिलाकर पूरी प्रॉपर्टी को। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर हमें ये प्रॉपर्टी याद होगा कि नहीं याद होगा, याद तो मैं करवा दूंगा, आप मेरा लेक्चर प्रॉपर देखते रहे, याद मैं करवा दूंगा, मैं इतना सारा क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको ढंग से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। हाँ बस हरते घर पर जाइए और एक बार देख के आइए, देख के आइए, है ना, यहाँ से मैं पढ़ाया उसके बाद जाइए घर पर ढंग से उसको देख लीजिए और फिर से दोबारा लेक्चर को ज्वाइन कीजिए और कंटिन्यू रहिए, ये नहीं कि बीच में है ना ब्रेक करके देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका, सही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, और हेडिंग डालोगे प्रॉपर्टी 5 P5, काफी इंपॉर्टेंट, पांचवा प्रॉपर्टी छठवां प्रॉपर्टी सातवां प्रॉपर्टी सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन तो 5, 6, 7 पे ही बनते हैं, बाकी इधर का प्रॉपर्टी तो मान के चलो आपको याद हो जाएगा, और ऐसा नहीं कि वो सब याद नहीं होंगे, याद तो सब हो जाएंगे, बाकी ज़्यादातर यूज वही सब प्रॉपर्टी होते हैं, ये सब तो छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं जो मान के चलो क्वेश्चन थोड़ा सपोर्ट करेंगे आपको, बाकी ऐसा नहीं है कि इतने आसान आसान क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, बस पढ़ना था अपने को, अपन बताते चलते हैं, जरूरत था ये सब प्रॉपर्टियों का इसलिए अपन पहले उसी को डिस्कस किए, ये सब अभी तक बिल्कुल नॉर्मल प्रॉपर्टी थे जिन पे क्वेश्चन बनते नहीं है सीधा, क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते इन पे, ये क्वेश्चन में यूज होते हैं, क्लियर हो। अब हेडिंग डालते हैं P5 मीन्स पांचवी प्रॉपर्टी, सही है। मैं आपको फिर से बताऊं पांचवी प्रॉपर्टी छठवीं प्रॉपर्टी और सातवीं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। P5 क्या है, P5 ये बोलता है कि आफ्टर फिक्सिंग ये फिक्सिंग लिखा होगा FIXING एनी कॉलम, अगर किसी रो या किसी कॉलम को आप क्या कर रहे हो फिक्स कर दिए, पहले रो को दूसरे रो को तीसरे रो को किसी को फिक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। आफ्टर फिक्सिंग एनी रो और एनी कॉलम इफ अदर रो और रोज, मतलब अगर आप किसी रो को फिक्स कर दिए, फिक्स करने के बाद कोई दूसरे रो या बाकी सारे रो, कोई एक रो या बाकी सारे रो फिक्स कर दिए उसको नहीं, फिक्स जैसे मान लो को आर वन को फिक्स किए, तो आर वन को फिक्स कर दिए तो दूसरा रो या फिर दूसरा या तीसरा रो, ऐसा बोल रहा हूं मैं, सही है। इफ अदर रो और रोज और कॉलम्स कॉलम के लिए रहेगा तो कॉलम है ना, इच एडेड इन
fixed row or column, in fixed row or column, in fixed row or column, then value of determinant does not change. मैं आपको बता रहा हूँ, टेंशन ना लें. Then value of determinant does not change. ये है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ. Then value of determinant does not change. ढंग से बता रहा हूँ, चिंता ना करना. Does not change. क्या बोला गया? फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है, वन माइनस टू फाइव, माइनस टू थ्री, टू फोर, माइनस वन थ्री, ये कोई डिटर्मिनेंट है. समझो प्रॉपर्टी क्या बोला. मान लो कि हम इसको फिक्स कर लिए, इसको क्या किए, फिक्स कर लिए, मतलब इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको ऑपरेट कर रहे हैं, इसको फिक्स करते हुए दूसरे रो को इसमें ऐड कर दिए, दूसरे रो क्या कि इसमें ऐड कर दिए, या फिर दूसरा और तीसरा दोनों को ऐड कर दिए इसमें. समझो बात को, दूसरा रो को क्या किया इसमें, ऐड कर दिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा. या फिर दूसरा और तीसरा दोनों को ऐड कर दिए इसमें, तो भी चेंज नहीं होगा, तो भी वही वैल्यू आएगा. ऐसा है सर? हाँ भाई, देख लो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, है ना. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ क्या प्लस. क्लियर हो तो ध्यान देंगे सब लोग. वन इंटू कितना हो जाएगा, थ्री, थ्री जा नाइन, और ये हो जाएगा टू ना, तो नाइन प्लस टू इलेवन, ठीक है. और ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स, और ये क्या माइनस एट, यानी कितना माइनस फोर्टीन, सही है. और ये प्लस फाइव इंटू कितना हो जाएगा, फाइव इंटू ये हो जाएगा टू, हो जाएगा टू माइनस टूएल्व, माइनस टेन. देख ले कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, बाकी सब चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. एलेवन माइनस ट्वेंटी एट और माइनस फिफ्टी, ये हो जाएगा माइनस सेवेंटी एट. एलेवन माइनस सेवेंटी एट कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका माइनस सिक्सटी सेवन. कितना आएगा, माइनस सिक्सटी सेवन. क्लियर हो, कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है. डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, माइनस सिक्सटी सेवन. अब प्रॉपर्टी क्या बोला, प्रॉपर्टी ये बोला, और लिखने का ये तरीका भी होगा अपना, देख ले ध्यान देंगे, कि मान लो कि अपन क्या करते हैं, किसी रो को फिक्स करते हैं, तो उसको लिखेंगे ऐसे आर वन. क्या लिखेंगे, आर वन, मतलब किस किस रो को फिक्स कर रहे हैं, आर वन. सर दूसरे को फिक्स नहीं कर सकते क्या, सर कर सकते हो, तीसरे को नहीं कर सकते क्या, कर सकते हो, तो आर वन क्यों कर रहे हो, मेरा मूड, आप आर टू को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. आर वन, और ऐसे लगाना एरो, इसका मतलब आर वन फिक्स हो चुका है. आप यहाँ आर टू लिखोगे तो उसका मतलब आर टू फिक्स हो चुका है. आप यहाँ पर सी वन लिखते हो तो इसका मतलब पहला कॉलम फिक्स हो चुका है. आप यहाँ पर सी टू लिखते हो तो इसका मतलब दूसरा कॉलम फिक्स हो चुका है. ये फिक्स हो गया. अब मैं, है ना, रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे. इसका मतलब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया. कौन फिक्स हुआ, आर वन. आर वन को फिक्स किया, ठीक है सर, आगे बताओ. और R1 में क्या कर रहा हूँ, R1 प्लस R2 कर देता हूँ. R1 प्लस क्या कर देता हूँ, R2. सर किस में, तो R1 में जो फिक्स किया उसमें भाई, है ना, तो R1 प्लस R2, ठीक है भाई, ऐड कर दो दोनों को. ये कितना हो जाएगा, वन और माइनस टू माइनस वन होगा. ये कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, सही है. अब बाकी को छोड़ दो ऐसे ही, बाकी कुछ नहीं करना भाई, छेड़छाड़, ठीक है, सही है. बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, सही है. अब ध्यान देंगे, फोर माइनस वन और क्या थ्री, सही है. तो वो प्रॉपर्टी वाला क्या बोल रहा है कि भैया इस डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस सिक्सटी सेवन आएगा, ऐसा बात है. तो हाँ देखते हैं कैलकुलेट करके, आता है नहीं आता है, सही है. तो ध्यान देंगे, देखते हैं अपन कैलकुलेट करके, है ना. चलो एक्सपांड करते हैं, पहले रो के लाओ, यहाँ क्या मार देते हैं प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस क्या जाएगा, जल्दी से बता दो, है ना. कितना आ जाएगा भाई, माइनस वन, सही है. माइनस वन इंटू ध्यान दो, ये थ्री थ्री जाए नाइन, और प्लस टू क्या आ जाएगा, एलेवन हो जाएगा, सही है. अच्छा उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस सिक्स और माइनस एट. माइनस सिक्स और क्या, माइनस एट, यानी क्या माइनस फोर्टीन. और फिर क्या आ जाएगा, प्लस सेवन इंटू, ध्यान देंगे, ये हो जाएगा माइनस टू और माइनस वन कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस टू और माइनस ट्वेल्व, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन. ध्यान दो, ये कितना जाएगा, माइनस इलेवन, और ये क्या जाएगा, प्लस फोर्टीन, और ये क्या जाएगा, माइनस सेवेंटी. इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा भैया, माइनस एट्टी वन और प्लस क्या फोर्टीन, ये आ जाएगा माइनस सिक्सटी सेवन. देख लो, चेक कर लो, कल क्वेश्चन में भी गलती नहीं, हाँ वही आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, माइनस सिक्सटी सेवन बिल्कुल आएगा, सही है. अच्छा सर वो तो ठीक है, क्या आर वन प्लस आर वन में आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा भाई, क्यों, देख लो करके, है ना. जैसे
और क्या बोल रहा है कि अगर R1 में आप क्या करते हो, पहले रो में R1 प्लस R2 प्लस R3, वही चीज में बोला हूं कि कोई रो को फिक्स किए और कोई दूसरे रो या रोज, ये रोज वाली बात हुई, और ये कौन सी वाली बात हुई, रो वाली बात हुई, को ऐड कर दे रहे हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा, करके देख लो सर। तो R1 में R1 प्लस R2 करूं या R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करूं तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा। अब सेम चीज कॉलम के लिए भी आप कर सकते हैं, C1 में करते आप C1 प्लस C2 तो भी चेंज नहीं होता, इतना ही आता आंसर। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 करते तो भी चेंज आंसर नहीं होता, सही है, इतना ही आंसर आता। मैं आपको फिर एक बार याद करवा दूं कि जो प्रॉपर्टी रो के लिए वैलिड है दैट प्रॉपर्टी आर ऑल्सो वैलिड फॉर कॉलम, 100% कोई दिक्कत नहीं है डिटर्मिनेंट में, सही है भैया, ध्यान दे। तब क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे इनको ऐड करना है, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, 3 लिख दिया यहाँ पे, ध्यान देगा सब लोग, है ना, ये 3 और माइनस 2 और माइनस 1 3, ये तो 0 हो गया यार, बहुत अच्छी बात है भाई। अरे 5 और 2 7 और 3 10, ठीक है यार लिख लिया, सही है। अब बाकी को ऐसे लिख देना है माइनस 2 3 2 माइनस 2 3 2, सही है। यहाँ क्या जाएगा, 4 माइनस 1 3, सही है, कोई दिक्कत। अब इसको एक्सपांड करो भाई, है ना, एक्सपांड करते हैं, पहले रो के लॉन्ग ही कर देते हैं यार, तो यहाँ क्या प्लस, यहाँ क्या माइनस, यहाँ क्या प्लस, अब ध्यान देंगे कितना हो जाएगा यार, यहाँ हो जाएगा 3 और 3 3 जाएगा 9 और प्लस क्या हो जाएगा 2, सही है, 9 प्लस क्या हो जाएगा 2, सही है, देख लो 9 प्लस 2 को सीधा 11 लिखते हैं ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्या लिखते हैं इसको 11, और 0 वाला छोड़ दो, प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, देख लो कोई है ना, कहीं भी कैलकुलेशन फॉल्ट हो तो आ जाएगा 2 माइनस 12 माइनस 10 हो जाएगा, अरे माइनस 100 हो जाएगा, 33 और माइनस 100 माइनस 67 ही होता है भाई, सही है ना, माइनस 67 लिखा हुआ है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा। सर कॉलम में भी करेंगे तो यही होगा, हाँ करके देख लो कोई दिक्कत नहीं। सीवन में अगर सीवन प्लस सी टू कर दूँ, सीवन में क्या कर दूँ, इस कॉलम में अगर इस कॉलम को ऐड कर दूँ या फिर ये दोनों को ऐड कर दूँ तो भी वैल्यू इतना ही आने वाला है, माइनस 67 भी आने वाला है, चेक कर ले, है ना, बिल्कुल आंसर आएगा, सही है। तो ये प्रॉपर्टी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन करेंगे इस पर, ऐसा नहीं कि है ना हराने की जरूरत नहीं है कि खत्म हो गया, अभी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खत्म हुआ है भाई, अभी क्वेश्चन चलेगा इस पर, सही है।